वेलकम टू माई चैनल मैजिकल ब्यूटी। और आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, ये एक स्किन ब्लीच पॉलिश कह लें, स्किन पॉलिश कह लें या स्किन ब्लीच करने का एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगी। उन प्रोडक्ट्स के क्या फ़ायदे होंगे और उससे क्या क्या होगा वो सब मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट सा प्रोसेस है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ और ढेर सारे कमेंट करें और मुझे सजेशन दें कि आने वाली वीडियोस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए और आप आने वाली वीडियोस में क्या करते हैं। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेशियल हेयर आजकल हर दूसरी लड़की का मसला है और हर लड़की उसको छुपाना चाहती है और कॉन्फिडेंट होना चाहती है, तो बेहतर यही है कि आप इस प्रोसेस को आफ्टर 15 डेज रिपीट कीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर हैं आए हुए और बहुत ज़्यादा डार्क शेड में हैं, ब्लैक हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, स्पेशली जब आप डे लाइट में जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो इस स्किन पॉलिश के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, आइए हम वो देखते हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है स्किन पे तो वो भी देखते हैं। तो हम अपना स्किन पॉलिश बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बाउल और एक ब्रश ले लिया है। ब्रश से हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है, इसीलिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हमारे पास एक हेयर बैंड है जो कि हमारे बालों को आगे आने से रोकेगा। यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो। मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच की पीच ब्लीच क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ्रूटफुली ब्लीचेस अनवांटेड हेयर एंड वाइटन्स द स्किन, गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स की ये ब्लीच है, ठीक है, इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इस बारे में वीडियो के कौन सी ब्लीच क्रीम सबसे बेस्ट है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में एक वीडियो लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छी ब्लीच क्रीम कौन सी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये वाली ब्लीच क्रीम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें स्किन शाइनर ऐड करेंगे, स्किन सूदिंग लोशन ऐड करेंगे, उसके बाद ये हम इसमें बेबी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और वो हमारा टोनर है ताकि हम बाद में अपने पोर्स को क्लोज कर सकें। और यूज़ करेंगे हम फेस वॉश अपनी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए। तो बातें कम कर रहे हैं और अपने प्रोसेस को बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर, ये ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा बेबी पाउडर ऐड करेंगे, कोई सा भी आप ले सकते हैं, मैं जॉनसन बेबी वालों का ले रही हूँ। ये मैं अंदाजे से ही ऐड करूँगी, आप भी इस तरीके से अंदाजे से ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं सूदिंग लोशन ले रही हूँ, इसका सूदिंग लोशन ऐड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं स्किन शाइनर लूँगी, ये भी मैं सॉफ्ट टच कंपनी का ही यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन शाइनर क्या करता है, ये हमारी स्किन को शाइनी कर देता है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सी लुक देता है। और सूदिंग लोशन उन लोगों के लिए है जिनकी सेंसिटिव स्किन है और जब वो ब्लीच लगाते हैं तो उनकी स्किन पे बहुत इरिटेशन होती है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब हम इसमें अपनी ब्लीच क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ब्लीच क्रीम ऐड कर रहे हैं। इस क्वांटिटी में हम अपनी ब्लीच क्रीम लेंगे, थोड़ी सी और ले लेते हैं, 2 स्पून्स ऑफ ब्लीच क्रीम लेंगे। ब्लीच क्रीम हमने यूज़ किया है तो इसमें 1 कैप ऑफ एक्सेलरेटर हम डालेंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला ये हमारा लिक्विड बन जाएगा और इसको हम अपने फेस पे को प्रैप करेंगे। स्किन पॉलिश अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का नीम फेस माउंट, लेके मैं इसको अपने फेस पे रब करूँगी अच्छे तरीके से। अब मैंने जो स्किन पॉलिश बनाया है इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं मिरर यूज़ नहीं कर रही तो मैं अपने सामने कैमरे में देख के इसको अप्लाई करूंगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब फेस वॉश कर लिया है आफ्टर 20 मिनट्स और मेरी स्किन पे काफ़ी ग्लो भी आ गया है, नोज़ के अराउंड और यहाँ फोरहेड पे, चीक्स पे, ठीक है। देख सकते हैं बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक फेड हो गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, माई मोस्ट फेवरेट प्योर स्किन का ये टोनर यूज़ कर रही हूँ मैं, ओरिफ्लेम का, और ये एक कॉटन पैड ले रही, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे और अपने पोर्स को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारे पोर्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्किन पॉलिश जो है वो कैसा रिजल्ट आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।